नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने ट्वीट कर दावा किया है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में कल से अब तक 7 और लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 बच्चे हैं। अब तक कुल मृतकों का आंकड़ा 31 हो गया है। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सोमवार देर शाम मुठभेड़ शुरू हुई। कालाकोट के जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में स्थिरता लाने के लक्ष्य के साथ केनियाई नेतृत्व वाले एक मिशन को मंजूरी दे दी है। शरद पवार ने 24 घंटे में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा राज्यों से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद डग लार्सन, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने अपना 1 महीने का वेतन पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया है। राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला उन्होंने लिया है। स्थानीय के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच गतिरोध के बीच भारत ने कनाडाई अधिकारियों से कहा है कि वे 10 अक्टूबर तक लगभग 40 राजनयिकों को वापस बुला ले, अन्यथा उनके राजनयिक छूट वापस ली जाएगी। पुणे पुलिस की गिरफ्त से भागे 3 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नाम भी सामने आया है। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में अब तक 9 दिनों में कुल 60 मेडल जीते हैं, जिनमें 13 गोल्ड के अलावा 24 सिल्वर मेडल और 23 ब्रांज मेडल शामिल हैं। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सूबे की सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। भारत में पायलट और फ्लाइट क्रू मेंबर्स के परफ्यूम के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। नागरी विमानन महानिदेशालय ने यह प्रस्ताव रखा है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो उड़ान के दौरान पायलट और फ्लाइट क्रू मेंबर्स को परफ्यूम लगाने की अनुमति नहीं होगी। नांदेड़ अस्पताल में हुई मौतों को लेकर महाराष्ट्र सरकार आज कैबिनेट की बैठक करेगी। कैबिनेट इस बैठक में नांदेड़ अस्पताल में हुई मौत पर चर्चा करेगी। ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों की स्थिति के लिए एकनाथ शिंदे जिम्मेदार है। संजय राउत ने सीधे तौर पर अजित पवार गुट पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि राज्य सरकार को बिहार की तर्ज पर जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। महाराष्ट्र के बुलढाणा से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। एक ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को रौंद दिया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुरुष तीरंदाजी में देश को 2 मेडल मिलना तय है। दरअसल भारत के ओजस और अभिषेक द्वारा इस इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। फाइनल में दोनों का आमना सामना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के विशेष हथियार बाघ नखा को अब भारत लाया जा रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि हथियार हमेशा के लिए भारत नहीं आ रहे हैं, इसे सिर्फ 3 साल के लिए भारत लाया जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे का पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि यूपी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली के मौसम में अगले 1 हफ्ते तक कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। 1 अक्टूबर को आईफिल टावर के पास पेरिस फैशन शो का आयोजन किया गया है। वहीं हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या राय बच्चन पेरिस फैशन वीक में छाई रही। ऋचा चड्ढा और पुलकित सम्राट की फिल्म फुकरे 3 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। वीकेंड पर शानदार कमाई करने के बाद सोमवार को फुकरे ने जबरदस्त कमाई करते हुए 5 दिन में हाफ सेंचुरी मार दी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC News पर यही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।